एक कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। दुल्हन ने विदाई के वक्त शादी से किया इनकार। शादी के बाद विदाई का वक्त था। लड़की अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पापा से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। लड़की ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपने छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक पहुंची और इधर दूल्हा अपने खास मित्रों से बातचीत कर रहा था। तभी वहां पे दूल्हे का एक मित्र आकर उसे बोलने लगा, यार अभी यहाँ से निकलते ही सबसे पहले तू वहाँ पहुंचते ही मुझे 5-स्टार होटल में खाना खिलाएगा। भाई तेरे ससुराल में तो खाने का मजा ही नहीं आया। तभी पास खड़ा दूल्हे का छोटा भाई बोला, हाँ यार पनीर तो कुछ ठीक नहीं था और तो और रसमलाई में रस ही नहीं था। ये सारी बातें कर दूल्हे के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और इधर दूल्हा भी कम नहीं था, अरे अरे तुम लोग टेंशन मत करो, चलो तो सही 5-स्टार होटल में खाना खा लेना, मुझे भी यहाँ पे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया, रोटी तो गर्म ही नहीं थी। अपने ही पति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दुल्हन घूंघट में गाड़ी की ओर जा रही थी। वहां से वो वापस मुड़ी और गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर वो अपने पापा के पास पहुंची, अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी और ना ही मुझे ये शादी मंजूर है। ये शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग वहाँ के हक्के बक्के रह गए, सब नजदीक आ गए। लड़की के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या है ये किसी को भी समझ में नहीं आया। तभी लड़की के ससुर लड़की के पास आकर बोले, क्या बात है बहू, शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक तुम्हें क्या हो गया। तब तक तो दूल्हे के चेहरे की भी हवाएं उड़ चुकी थी, मानो उसी की तो दुनिया ही लुट रही थी। और दूल्हा और उसके सारे दोस्त दुल्हन के पास आए। सभी ये बात जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर दुल्हन ने मना क्यों किया। दुल्हन ने अपने पिताजी का हाथ पकड़े रखा था। फिर दुल्हन ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आप जानते हैं कि एक बेटी अपने बाप के लिए क्या मायने रखती है, लेकिन ये बात आप और आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी ही नहीं है, दुल्हन रोते हुए ये बोले जा रही थी। आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए और बारातियों के आव भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी ने पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे जागकर मेरे माँ के साथ बैठकर योजनाएं बनाते, खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा, मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे, और तो और मेरी माँ ने पिछले 1 साल से नई साड़ी तक नहीं खरीदी है क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर आज मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी के 150 रुपए की इस नई शर्ट के पीछे बनियान में कितने छेद हैं, मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया और ना ही अच्छा पिया, बस एक ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रहे। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उसके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर जी को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका ये खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के सम्मान को ठेस पहुँचाने बराबर है। और दुल्हन हाफे जा रही थी। फिर दुल्हन के पिता रोते हुए बोले, लेकिन बेटी इतनी सी छोटी सी बात। दुल्हन ने अपने पापा की बात बीच ही काटी, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं, रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई पनीर ये सब कैटर्स का काम है, आपने दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया और अगर कुछ कमी रही भी तो वो कैटर्स की कमी रही होगी, आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं, आप कितनी रातें रोएंगे क्या मुझे पता नहीं, माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली, कल से वह बाजार अकेली जाएगी जा पाएगी, जो लोग पत्नी और बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं, मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, ये बात इनकी समझ में नहीं आई। और फिर लड़की के पिताजी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, अरे पगली क्यों बात का वतंगड़ बना रही है, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे, तुझे मेरी कसम है तू शांत हो जा। तभी दूल्हा आता है और अपने ससुर का हाथ पकड़ता है और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, उसका गला बैठ गया और रो पड़ा। तभी दुल्हन के ससुर आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा, मैं तो बहू लेने आया था लेकिन ईश्वर की बहुत ही कृपा है कि उसने मुझे बेटी दे दी और वह बेटी की अहमियत भी समझा दी, मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी, अब बेटी इन नालायकों को तू माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ और मेरी बेटी मुझे लौटा दे। और फिर दुल्हन भी भावुक हो गई और दुल्हन के ससुरों जी बोले, समधी जी ऐसी बेटी पाकर मैं बहुत गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। दुल्हन फिर राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई, पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भी अपने माँ और पिताजी की आंखें, अपने पिताजी का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, फिर आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई सी दूर परदेश और किसी
पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। लड़की कभी पराया धन नहीं होती। कभी हम शादी में जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक पनीर की सब्जी बनाने में उस पिता ने कितना कुछ खोया होगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरों के आंगन को महकाया होगा। खाने में कमियां ना निकाले। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी, रसमलाई पकने में उतना ही समय लगता है जितनी की लड़की की उम्र होती है। ये सब भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, पिताजी के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी के शादी में बनने वाले पकवानों में जो स्वाद कई सपनों को कुचलने के बाद आता है, इन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कदर करें। यह बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो क्षमा करें। और जिसने भी ये कहानी लिखी है उसको दिल से धन्यवाद।